भिंड जिले के अटैर में चंबल नदी के लगातार बढ़ रहे जलस्तर के बीच प्रशासन द्वारा कई गांव के लोगों को रेस्क्यू कर सुरक्षित स्थानों पर पहुंचाया गया है। महिलाओं और बच्चों को प्राथमिकता से रेस्क्यू किया गया है। हालांकि प्रशासन द्वारा लोगों के रहने खाने के लिए व्यवस्थाएं की गई हैं, लेकिन फिर भी ज्यादातर लोग अपने अपने रिश्तेदारों के यहाँ पहुंच गए हैं। दरअसल पश्चिमी मध्य प्रदेश और राजस्थान में हो रही भारी बारिश के चलते कोटा बैराज से लगातार चंबल नदी में पानी छोड़ा जा रहा है, जिसके चलते चंबल नदी का जलस्तर लगातार बढ़ रहा है। भिंड जिले के अटेर क्षेत्र में चंबल नदी के आसपास के दो दर्जन गांव पानी से घिर चुके हैं। जलस्तर और बढ़ने की आशंका के चलते लगभग एक दर्जन गांव के लोगों को रेस्क्यू कर सुरक्षित स्थानों पर पहुंचाया गया है। इस काम में जिला प्रशासन, पुलिस प्रशासन के साथ ही SDRF की दो टीमें एवं सेना के 40 जवानों की टुकड़ी भी लगी हुई है। SDRF की टीमों एवं सेना के 40 जवानों ने रविवार को ही अटेर क्षेत्र में पहुंचकर मोर्चा संभाल लिया था। चार बोट के साथ पहुंचे सेना के जवानों द्वारा डूब प्रभावित गांव से महिला एवं बच्चों को रेस्क्यू कर सुरक्षित स्थानों पर पहुंचा दिया गया है। इस समय चंबल खतरे के निशान से 7 मीटर ऊपर बह रही है। बताया जा रहा है कि 1996 के बाद चंबल नदी में यह स्थिति बनी है, जब चंबल का जल स्तर इस लेवल तक पहुँचा है। चलना